बीडीसी के चेयरमैन भोनियार ने सलामाबाद भोनियार का दौरा किया। उन्होंने डीसी बारामूला से दरख्वास्त की कि वो सड़क और मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसे मकामी लोगों के मसाइल को देखे। वालेकुम सर, मोहम्मद अशरफ अर्ज करान सिटी सलामाबाद दशनास रोज रोजान तो यह तो रोड हालत यहाँ गई वह जनाबली इनाग्रेशन ते हर टीम आए रोड बन बनाव ना कि हर एक फैसलटी पूर ग्राम फैसलटी सही कहें तो लेकिन बहु तुंद वसाद गवर्नमेंट इंतजामिया अपील करा कि मेहरबानी कर तु दियो नजर ये रोड जनाबली कैमरा लगो ये जाए बहु खड़ा चुथ गा रोड आसन तो अगर जनाबली अमेशा इन जनाब अज यह नजरअंदाज कर मेहरबानी कर तुंद वसाद पूर गवर्नमेंट इंतजामिया अपील करा कि सोन यम मसल मसाइल गल ग खास कर रोड प्रॉब्लम। जैसे कि आप जानते हैं आपने इस्लामाबाद का विज़िट आज किया, आपने खुद देखा कि कितनी मुश्किलात से दो चार हैं इस्लामाबाद के लोग। मैं खाली उन साहिबान से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो खाली यहां पे वोट मांगने के लिए आते हैं, आज मैं उनको खाली ये मैसेज आपके माध्यम से देना चाहता हूं, क्या आज उनको इस्लामाबाद याद नहीं है? क्या आज उनको ये नहीं लग रहा है कि इस्लामाबाद के लोग किन मुश्किल से दो चार हैं? हमने पिछली कई बार यहाँ पर वीडियो अपलोड किए कि हमारे रोड की प्रॉब्लम है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, मगर यहाँ पर कोई हमारा सुनता ही नहीं है, यहाँ पर कोई आता ही नहीं है। खाली वो लोग उस टाइम आते हैं जब उनको वोट की ज़रूरत होती है, मगर हम चाहते हैं डीसी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही डिमांड है कि डीसी साहब खुद यहाँ पे आएं और वो एक बार विजिट करें यहाँ का इस्लामाबाद का कि इस्लामाबाद के लोगों को कितनी परेशानी होती है रोड के रिलेटेड से, पानी के रिलेटेड से, और जो नेटवर्क सिस्टम यहाँ पे है ही नहीं अभी तक ये लोग नेटवर्क से महरूम हैं। देखें, सबसे पहले मैं यहाँ की चैनलों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि जिन्होंने हर हमेशा यहाँ पर यहाँ के मसले मसाइल को हाईलाइट किया। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात करें तो फंड्स आते हैं, बट ये इस्लामाबाद में समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे कहाँ जाते हैं। एज ए डीडीसी कंटेस्ट जो मैंने इलेक्शन किया, मैं एज ए उसके लेजान से यहाँ पे आया हूँ, मैं एज ए बीडीसी भोनियार, बट जो मैंने हालात देखे, हालात इस्लामाबाद के मुझे लग रहा है अभी 47 की तरह जैसे 1947 में थे, वैसे के वैसे हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में। क्या यहाँ के नौजवानों का मुस्तकबिल नहीं है? क्या यहाँ के लोगों के राइट्स नहीं हैं? क्या यहाँ के लोगों का वोट, खाली वोट डालने का हक है? क्या उनकी आवाज़ को दबाया गया है? इस्लामाबाद के लोगों को अभी तक दबा के रखा गया हुआ है। मैं इस्लामाबाद के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि डरने वाला जो सिस्टम था वो सब ख़त्म हो चुका है। आज हर एक को अपने अपने हुकूक सबों को पता है कि किस वोट का कितना हुकूक है और किस वोट को कितना हक है। आपको पता भी होगा कि एक वोट से बनता भी है और एक ही वोट से गिरता भी है। मगर जहाँ तक इस्लामाबाद की बात करें, मैंने सुना कि यहाँ पर रोड को टेंडर भी हुआ है, काम भी चल रहा है, बट ये समझ नहीं आ रहा है कि किन सियासी लीडरों की वजह से ये काम रुका हुआ है। तो मैं आला हुकाम से गुजारिश करता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर बारामूला से खासकर, और मेरी अभी बात भी हुई है एसडीएम साहब से, उनने एश्योरेंस दिया है कि यहाँ के नेटवर्क के रिलेटेड अगर बात करें इंशाल्लाह जल्द से जल्द नेटवर्क लग जाएगा, और डीसी साहब का इंशाल्लाह खुसूसन यहाँ पर अवामी दरबार भी होगा। और मैं आपके माध्यम से यहाँ के लोगों को गुजारिश करता हूँ कि जिस दिन डीसी साहब का दरबार हो तो कम से कम डिप्टी कमिश्नर या अपने एसडीएम साहब से, क्योंकि आपको पता है तेज तरान यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, और जब तक उन तक बात ना पहुँचे तब तक कोई भी मसाइल हल नहीं होगा। तो यहाँ की लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वो खुद सामने आए और खुद अपने मसाइल को हाईलाइट करें। राकिब सर्स एक्सीलेंस परेपुरा श्रीनगर ऑफर्स कोचिंग फॉर 11th 12th आर्ट्स एंड कॉमर्स ऑल सब्जेक्ट्स विद वैलीज टॉप फैकल्टी ऑन बोर्ड। विजिट राकिब सर्स एक्सीलेंस परेपुरा श्रीनगर। कॉल ऑन 9622888333 9469888333।